हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जननायक जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे जनसेवा पत्र का नाम दिया। जेजेपी के वरिष्ठ नेता केसी बांगड़ की अध्यक्षता में इसे जारी किया गया। पार्टी ने इसमें राज्य सरकार की नौकरियों में हरियाणा के लोगों को 75% आरक्षण देने का वादा किया। इसके अलावा ग्रामीण छात्रों को नौकरी की परीक्षाओं में 10 अतिरिक्त अंक दिए जाने का भी वादा इसमें किया गया है। जो नए सिटी बनाने की प्लान के ऊपर तो सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर दिए, कोई स्मार्ट सिटी कहीं दिखाई दिया क्या हरियाणा में? विदेशों तक दौरे किए गए, कंसल्टेंट लगा दिए गए, कंसल्टेंट को फीस दी जा रही है, अनेक मंत्री, अनेक तरह के मंत्रिमंडल के लोग जो विदेशों में दौरा कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी का अध्ययन करने गए हुए हैं। 5 साल में किसी स्मार्ट सिटी की कोई नींव भी रखने का काम किया है? बहुत सी बातें हैं, कोई सैकड़ों ऐसी बातें हैं जिनके बारे में जो है फिजूल खर्ची की जा रही है, और इन सब बातों को लेकर के इस बजट को ठीक ढंग से भी लोकेट करके जो नहीं सारी चीजों को एडजस्ट किया जा सकता है।